हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, माय नेम इज श्रुति वर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल बीट स्टूडियो। कैसे हो आप सब? आई होप एवरीथिंग इज फाइन, गोइंग गुड। दिस इज आवर 8th डे ऑफ आवर 10 डेज रोड ट्रिप। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं बाय बस ट्रैवल कर रही थी, जहां से हमने शुरू किया था अंबाला से, हरियाणा से। हरियाणा के बाद हम आए थे यूपी में, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हम आए थे बिहार, फिर हम आए थे झारखंड, और इस टाइम है हम उड़ीसा में। उड़ीसा में हम जाने वाले हैं आज जगन्नाथ पुरी। जगन्नाथ जो मंदिर है, चार धामों में से एक मंदिर है, तो आज हम वहाँ के दर्शन करने वाले हैं। पहले जो हमारे 7 दिन थे, हमने जो उनमें विजिट किया था, उन सब का व्लॉग का लिंक आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाओ और वो भी जरूर देखना, और आगे की जर्नी में हमारे साथ बने रहो। वीडियो बना रही थी, आज मैं दिखा रही थी कि हमारा ये धर्मशाला बोलते जैसे, लेकिन कितनी सुंदर है, मतलब होटल से कम नहीं है हमारे धर्मशाला। और ये मेरे प्यारे से आंटी जी, जो अभी मेरे सफर में मेरा साथ थे। और आप बताओ कि हमने 7 दिन कहाँ कहाँ गए, जो पिछले 7 दिन गए थे। चित्रकूट धाम, प्रयागराज, काशी विश्वनाथ मंदिर, वैजनाथ मंदिर, और वो गया जी, गंगा सागर गया जी, और अब हम जाने वाले हैं जी, अब आज हम हैं जगन्नाथपुरी में, और हम इसके बाद कहाँ जाएंगे? अयोध्या, नैमिश्रण, हाँ, और सीता वाता कई मंदिर, हाँ वहाँ जाने वाले हैं। तो बने रहो और देखते रहो। निकल चुके हैं अपनी धर्मशाला से, और यहाँ हमारी धर्मशाला से जो मंदिर का रास्ता है वो 2 या 3 किलोमीटर है, तो हम वो पैरों पैर ही जाने वाले हैं। शाम के टाइम यहाँ पे होता है फाउंटेन शो, तो हम शाम को वो भी देखने आएंगे। क्या आपको पता है जगन्नाथपुरी में हर साल एक रथ यात्रा निकलती है, जो कि वर्ल्ड फेमस है, और इस यात्रा को लोग दूर दूर से देखने आते हैं। वो मंदिर है, और ये पूरी लाइन लगी हुई है, ये पूरी, अरे बाप रे। यहाँ पे धक्का मुक्की से बचने के लिए जो सिक्योरिटी है वो लोगों को इंटरवल्स में आगे भेज रही है, मतलब कुछ लोगों को रोक लेती है, फिर कुछ को आगे भेज देते हैं। हमें उम्मीद है कि थोड़े टाइम के बाद थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी, तो इतनी देर हम थोड़ा सा फोटोशूट कर लेते हैं और मार्केट घूम लेते हैं। हमें यहाँ की मार्केट में मिल चुके हैं फ्रिज मैग्नेट, और ये वाला मैंने खरीद लिया है। अच्छी खासी भीड़ है, बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, और हम सोचते थे थोड़ा वेट करते हैं, मतलब अगर थोड़ी देर बाद जाएंगे तो शायद थोड़ी कूल मिलेगी, लेकिन जितना जितना टाइम होता जा रहा है उतनी ज़्यादा भीड़ होती जा रही है। यहाँ सबमिट हो जाएंगे हमारे शूज और मोबाइल, तो मिलते हैं कुछ ही देर में। 3 hours later खुशी देखो हम सबके फेस की, क्योंकि हमारे फोन फिर से हमारे हाथ में आ चुके हैं, हमने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए। टोनी भैया हेलो बोल दो, हेलो भैया हेलो बोल दो, और अब हम फिर से जाएंगे मंदिर की तरफ वीडियो बनाने। बैक साइड में जाएंगे मंदिर, वहां से अच्छे से दिखता है मंदिर। चलो। पुरी का ये मंदिर अपने चमत्कारों के लिए बहुत फेमस है। जगन्नाथ पुरी एक इकलौता मंदिर है जो भाई और बहन को रिप्रेजेंट करता है। इस मंदिर की मूर्तियां लकड़ी से बनाई गई हैं, जो हर 12 साल बाद चेंज होती है। तो अब भी हमने दर्शन कर लिए थे, दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं धर्मशाला। भूख लगी हुई है क्योंकि 2:30 बज चुके हैं, और हम सुबह से निकले हैं 5 बजे से अपनी धर्मशाला से, और फटाफट चलते हैं धर्मशाला, खाते हैं, और फिर विस्तार में बताती हूँ मतलब क्या था अंदर, कैसे हमने दर्शन किए, कैसे लाइन थी, कितने का प्रसाद था, सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ। ये भी बना लेगा और क्या, ये कमी रहेगी।
अरे हमारा गमछा कहाँ पे है, गमछा। ये है हमारा रूम जो कि शेयरिंग में है और हम एक रूम में 8 लेडीज हैं। यहाँ हमारे लिए बन रही हैं गरम गरम जलेबियाँ जो कि मुझे बहुत पसंद है, और जलेबी हम खाएंगे वापस आके क्योंकि अभी हम जा रहे हैं बीच पे। जी है गोल्डन बीच, हमारे जो जगन्नाथ पुरी है यहाँ पे दो बीच हैं, तो दो में से एक बीच जो सुंदर वाला उस पे हम आए हैं, तो इसका नाम है गोल्डन बीच। बाय पिंक। तो आज का हम बताते हो क्या स्केड्यूल था हमारा। हम ना सुबह 5 बजे उठे और हम रूम से निकले थे अराउंड 7:30 बजे, और फिर हम 8 बजे पहुंच गए थे वहां पे जहां से मंदिर हमें दिखना शुरू हो गया था। उसके बाद हम गए, हमने 1 घंटा पूरी फोटोग्राफ्स और वीडियोस वगैरह क्लिक की, बहुत सारी रील्स बनाई। उसके बाद हम 9 बजे अगर लग गए थे लाइन में, बाहर फ़ोन सबमिट हो गया था, बाहर हो गए थे हमारे स्मार्ट वॉच सबमिट हो गई थी, ईयरबड्स ईयरफोन्स ठीक है, पावर बैंक और स्लीपर्स ठीक है, बाहर सब कुछ सबमिट हो गया एक ही जगह, टॉकर मिल गया। फिर उसके बाद हम गए अंदर, हम लगे थे लाइन में सुबह 9 बजे और हमें दर्शन हुए दोपहर को 1 बजे, तो हम 4 घंटे लाइन में लगे रहे। फिर हमने 4 घंटे बाद दर्शन किए और बहुत ज़्यादा सुंदर दर्शन हुए, कम से कम हम 5 मिनट तक अंदर आराम से लग खड़े रहे और दर्शन किए। धक्के मुक्के लग रहे थे लेकिन हाँ उस टाइम कहाँ ही याद रहता है कुछ, कहाँ ही पता लगता है कुछ हो रहा है, और बस खड़े रहे और दर्शन करते रहे। फिर उसके बाद हम आ गए बाहर और फिर हम गए थे धर्मशाला, और अब हम आए हैं बीच पे गोल्डन बीच, और एकदम मस्त वाइब है यहाँ की। मेरे प्यारे दोस्तों, जगन्नाथ पुरी के ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। इसके बाद हम जाने वाले हैं अयोध्या जी, जिसका ब्लॉग आपको मिलेगा डैश ट्रैक डे 9 में, और देखते रहो मेरे सारे वीडियो जहाँ तक हम अभी तक गए हैं वो भी देख लेना, जहाँ हम जाने वाले हैं वो भी देख लेना। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय बीट स्टूडियो फैमिली।